सुपर गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के ब्लॉग को मैं फिलहाल थोड़ा लेट से नहीं उठा रहा हूँ, मतलब आज बहुत जल्दी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज 7 बज रहा है, ठीक है। और क्योंकि बात ये था कि आज अभी हम पहुँच चुके हैं अपना रूम नहीं है, अभी तक हम लोग का रूम नहीं मिला है, दूसरे के रूम में आज रात थे। तो आज हम लोग जाएंगे रूम ढूंढने के लिए और साथ साथ में ज्वाइनिंग भी करवाने के लिए जाएंगे। धूप आ रहा है थोड़ा सा। एंड क्या हुआ था कि कल भाई हम लोग इतना ज़्यादा तकलीफ में थे, मतलब आते वक्त इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा, और उस पर भी 1 किलोमीटर हम लोग को चलवाया है, मतलब पैदल। और मोबाइल में चार्ज नहीं था, जैसे 16% था मेरे में और बाद बाकी किसी के चार्ज नहीं था, 2% 3% था सबका। तो मेरे पास ही, मतलब मेरे मोबाइल से वही लोकेशन वगैरह ट्रैक कर रहा था, तो इसके लिए मैं कल का व्लॉग नहीं बना पाया। नहीं तो यार क्या ही खतरनाक लेवल का दुख था ना, वो दुख मैं आप लोगों को दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट मैं कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि अगर मेरा भी चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, मतलब रूम यहाँ तक तो पहुँचना है ना। आपको पीछे से घुमा के दिखा देते हैं, क्या ही शानदार नज़ारा है 3 तल्ला के ऊपर में। और ये इधर है रोड, 3 है कि 4 है यार, 3 तल्ला शायद। और अभी हम 4 तल्ला में, देखिए इधर पूरा हरियाली है एकदम, इस साइड में बहुत शानदार नज़ारा है और आप लोग देख ही सकते हैं। और बस बात ये है कि आज हम ब्लॉग बनाएंगे और आज के ब्लॉग में आप लोगों को शायद अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा अच्छा, मतलब जो हम करेंगे वही चीज़ दिखाएंगे। और यहाँ का सबसे बड़ी बात क्या है पता है, यहाँ पे जितना भी घर दिख रहा है ना, सब के सब लॉज है, सब में लड़का रहता है। वो जो कंपनी दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक होंडा कंपनी का कुछ है, होंडा कंपनी मतलब होंडा का पार्ट वगैरह बनता है। तो भाई साहब यहाँ पे जितना घर दिख रहा है आपको, सब में वर्कर्स वगैरह रहते हैं सब। इसमें 3 तल्ला है ना, 3 के 3 तल्ला में एकदम भाई साहब इतना लड़का हम लोग आते वक्त देखे, इतना, मतलब हम सोच रहे थे कि यार सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में शायद हो सकता है कि मुझे जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पर भी इतना ज़्यादा क्राउड है, तो समझ सकते कि सोशल मीडिया सही है यार, सोशल मीडिया को हम नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ेंगे। एंड आप लोगों को यही बताने वाले थे यहाँ पर किस तरह से कितना लड़का हम शायद हो सकता है, हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे जब ये लोग काम पे जाएंगे। वो भी 3 शिफ्ट में जाता है, कोई 12 बजे रात को आता है तो कोई सुबह को 4 बजे आता है, और इस तरह से आता है, मतलब समझ सकते हैं 8 घंटा काम करने के लिए 3 टाइम पे, और मशीन वहाँ पे चलते रहता है 24 घंटा, आप लोग समझ सकते हैं। बट यही था कि आज तो बस यही है कि अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुँह हाथ नहीं धोया हूँ तो अभी जाके धोऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा विटामिन डी ले रहे थे, धूप का मजा ले रहे थे, तो सोचे कि ब्लॉग भी ऐसे स्टार्ट करते, आज इतना जल्दी उठे हुए तो ब्लॉग भी बनता ही है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि अभी मैं किस रूम पे रहता हूँ और वहाँ पे जाएंगे किस रूम पर, अभी मतलब रूम हम लोग को ढूंढना है, वो वाला रूम भी आप लोग को दिखाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस एंड डू दिस। देखिए उधर और भी रूम बन रहा है, इधर कहाँ पे आके हम ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पे जो 3 रूम दिख रहा है, ये 3 रूम में इतना आदमी है, और नीचे और भी बहुत ज़्यादा है यार। गलत रूम में घुस गई क्या, समझे मैं गलत रूम में घुसी, ये कुछ एक नज़ारा। एंड अभी और नीचे जाना है हमको, हेलो। तो यही वाला हम लोग का रूम है जिसमें आज रात हम लोग टिके थे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दूसरे और रूम की तलाश में, ठीक है, क्योंकि वो आगे जा रहे दो एंड हम पीछे, और ये सीसीटीवी कैमरा जरूरी है। फिलहाल इस रूम से हम लोग का हो गया एग्जिट, देखते हैं फिर घूम के वापस आना पड़ेगा क्या, अगर रात तक रूम नहीं मिलता तो फिर शायद हो सकता है कि रूम वापस आना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को एक बात यही है कि अभी दूसरा साइड में है गांव का ही आदमी है, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे कंफर्म हो चुका है, लेकिन बात है कि सामने में अगर मिल जाए तो
तो बेहतर है। फिलहाल देखते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से। देखिए जाहिर सी बात है, बाहर आइएगा तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को सोच समझ कर आना चाहिए। बट क्या है कि हम लोग पहले से बात करके आए थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ आने के बाद अचानक जिस रूम से हम लोग पहले बात करके रखे थे, इसमें हम लोग कन्फर्म किए थे, वो वाला अभी क्या हुआ कि अभी वो लोग वहाँ पे नहीं दे रहा है, रूम हम लोग को दे ही नहीं रहा है। किस लिए नहीं दे रहा है, वो यही है कि उसमें जो रूम मैनेजर है ना वो ही साला गजबज कर रहा था, इसीलिए हम लोग उसको उस पर नहीं रह रहे। अभी दूसरा रूम आगे देखे हैं तो मिलते हैं आप लोग से आगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिससे मतलब जिससे बात हुई थी वही है कॉल में, और वो बता रहा है कि इधर जाना है कच्ची में, या फिर उस साइड जाना है, या फिर इस साइड। हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाना है कि उधर जाना है, या फिर उस साइड में है रोड, यार साइड में फिर रोड है, देखते हैं किधर रास्ता मिलता है। हम लोग तो फिलहाल परेशान, मतलब ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ मोमेंट हम लोग मज़ाक कर रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग को अच्छा लग रहा है। एक होता है ना खराब, वो खराब टाइप का नहीं लग रहा है, हम लोग को ढूंढने में मज़ा आ रहा है, सच बता रहे हैं, गलत बात नहीं बता रहे हैं। ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इसलिए हम लोग इधर आए हुए, तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस ले रहे। अगर कहीं बचांस अगर हम लोग को कहीं जाना पड़ा इस तरह से अकेले में, तो ये सब करने में मज़ा आए, समझ में आए तुरंत, इसलिए एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ का। पेड़ सब काफ़ी शानदार लग रहा है। तो ये था हम लोग का रूम 3 नंबर, और फिलहाल अभी हम लोग को पसंद नहीं आया, फिलहाल दूसरा जगह जा रहे हैं, वहाँ पर अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही घूम के यहीं पे आएंगे, और फिलहाल फ़ोन करते हैं, ठीक है, दूसरा किसी और को फ़ोन करके वहाँ पर हम लोग पहुँचना है, तो इसलिए मोबाइल को रखते हैं। बस आप लोग को दिखाना था कि ये जगह है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिर्ची का फार्मिंग किया हुआ है। चल मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा देर में। तो फाइनली हम लोग अभी बस स्टैंड पर हैं, ठीक है, और बात ये है कि अभी हम लोग का कैब आ रहा है, कंपनी के थ्रू से कैब आ रहा है, उसी के साथ जाएंगे हम लोग, और खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को बुला रहा है, तो फिलहाल देखते हैं, वो है उधर और हम लोग जा रहे हैं। और भाई साहब क्या ही बताएं आपको, यहाँ पे जो घूमने का मज़ा है काफ़ी शानदार लग रहा है। सोच रहे हैं कि हम लोग को पहले चढ़ना है बस में ही, कैब कहाँ हुआ इसी में। तो यही है अंकल जो हम लोग को लेके जा रहे हैं, तो कंपनी वाला बस है कि क्या है, हमको अभी तक कंफर्म नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। ऐसे स्टेशन में ब्लॉग बनाना भी मतलब सही, थोड़ा सा डर महसूस होता है क्योंकि कोई मोबाइल वगैरह छीन के लेके दौड़ गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो भाई साहब यही बस है हम लोग को लेके जाने के लिए आया। विमल अलाउड नहीं है, सही है कि मतलब अब शाहरुख खान और सलमान खान को समझाना पड़ेगा कि विमल का एड मत कीजिए, हमारे दोस्त ने अच्छा खासा एकदम गुटखा खोर बन चुका है। तो फिलहाल हम लोग बस में चढ़ चुके हैं, अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और उसने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग फ्लिपकार्ट के कंपनी के अंदर है भाई साहब, यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड है कि नहीं पता नहीं, बट ट्राई कर। यही भाई है जो हम लोग को यहाँ तक लेके आया है, और रूम भी हम लोग को लेके जा रहा है, हाथ तो मिला लीजिए यार। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाते हैं नीचे जाते हैं, नीचे में थोड़ा बहुत कंपनी अगर मना कर देगा तो फिर बंद कर देंगे। बहुत बड़ा कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामान वगैरह पैकेजिंग वगैरह हो रहा है, एंड सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देखेगा तो हमको डर लग रहा है थोड़ा, बट क्या करें, मना करें तो रुक जाएंगे, छोड़ देंगे।
आप लोग को फ्लिपकार्ट का लोगो तो दिखा देते हैं सामने, ठीक है। इसमें आप लोग शायद मजा, ये देखिए तो फाइनली मना कर दिया है हम लोग को, ठीक है। कैमरा बोले ना यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं, बहुत बड़ा कंपनी है ना इसलिए। सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि इन लोग जितना चार को आदमी है भाई, इन लोग सरकार डी का है और उसके साथ मतलब हम लोग एक ही रूम में रहेंगे तो काफ़ी शानदार लगेगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। एंड सब कोई जा रहा है, अभी जा रहे हैं रूम वगैरह बात करने के लिए, रूम में कितना भाड़ा वगैरह लेगा, कितना एडवांस लेगा वो सब देगा, पता करना ही पड़ेगा ना, इतना बड़ा कंपनी है ना भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और हम सोच रहे हैं यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा कंपनी है, अभी हम लोग बस से आए तब हम लोग को पता चला कि कितना बड़ा एरिया में है, लेकिन भाई मज़ा आ गया। और फिलहाल हम यही बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट कंपनी में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग का कौन सा काम मिलेगा वो चीज़ मैं आप लोगों को शायद दिखाऊंगा जब मुझे काम मिलेगा तब। आज हम लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। कल से आईडी कार्ड वगैरह मिलेगा, उसके बाद फिर कल से शायद इंटरव्यू भी लेगा हम लोग का भैया हमको देख के हाजरा। तो देखते हैं अगर कल हम लोग को इंटरव्यू वगैरह होगा उसके बाद फिर कब से काम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ मैं आप लोग को बताते रहूँगा। एंड मैं थोड़ा धीरे हो गया बिकॉज इसलिए कि सब कोई भैया हमको देख रहे तो हम थोड़ा शर्मा जा रहे हैं। चलो मिलते हैं आप लोगों से बाहर में भाई। यहीं पर अमेजोन का भी कुछ है, मतलब अमेजोन भी इसी में शामिल है शायद, उसका अलग दिख रहा है, आप लोग को थोड़ा सा दिखा ही सकते हैं। अमेजोन इसी पे मिला हुआ है, कुछ बहुत बड़ा फैक्ट्री। अमेजोन का लोगो और फ्लिपकार्ट का लोगो देखने के बाद मतलब हमको सुकून मिल गया, बस इतने हमको चाहिए था। तो फाइनली ये कुछ बाहर का लुक। तो आज हम लोग को ऑटो से जाना पड़ रहा है क्योंकि रूम देखना पड़ेगा ना, रूम का जो बातचीत है वो सब भाई साहब देखिए बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, इसके कारण मुझे लग रहा है कि सही से आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए माइक को थोड़ा सा ई करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अभी आज ऑटो से जा रहे हैं, कल से हम लोग आएंगे अपने मतलब बस से आएंगे और बस से जाएंगे, टाइम टू टाइम काम करेंगे और साथ साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये आपको देख रहे थे इधर देखो थोड़ा सा। और फिलहाल हम लोग के कुछ आदमी उस ऑटो पर है, हम लोग का कुछ आदमी से उतर पर है। व्हाट इज और हम लोग चार पांच आदमी इधर है भाई, कुछ है या नहीं यहाँ पे जो है ना। यहाँ पर जो है ना हरियाली को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है यार, काफ़ी शानदार लगता है। और यहाँ पे फार्मिंग वगैरह काफ़ी शानदार करते हैं लोग, हर चीज़। ये वाह विराट अंदाज़ मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। अच्छा है, किसी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा हमसे। अच्छा आपका नंबर उम्र दे दीजिए आपका। देखिए अभी इस बस में जा रहा, इस बस में फिलहाल अभी ड्यूटी वगैरह जा रहा है, सब लोग पीछे ही जा गया अभी नाइट शिफ्ट में। और यहाँ से डायरेक्ट हम घर के लिए रवाना हो जाते हैं, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के साथ कुछ तो गलत हुआ है जिसके कारण हम लोग को डायरेक्टली घर आना पड़ा, वो भी फ्लाइट से, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता देंगे कि हुआ क्या था और किस लिए हम लोग घर आए थे, तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रेडी रहना। एंड आप लोग को पता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर।